जितने भी तरह के बीज खाने वाले आते हैं और जितनी भी तरह के अनाज हम खाते हैं, ये कम से कम 6-8 घंटे भीगे होने जरूरी होते हैं, जो हमारी बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से भारत में कैंसर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है। जैसे हम गेहूं खाते हैं, तो क्या गेहूं को 6 घंटे भिगो के रखते हो? पहले आप गेहूं को 6 घंटे भिगो के रखो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसका आटा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो गेहूं भी अच्छा हो जाता है। लेकिन ये वाला गेहूं ब्रीडेड है, इसलिए इतना अच्छा नहीं है। पहले गेहूं की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इनसे छेड़छाड़ बहुत हो चुकी है। पिछले 70 सालों में ये गेहूं पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो जो गेहूं हम खा रहे हैं, ये पेट तो भरता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फुलफिलनेस का एहसास देता है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देता, फाइबर नहीं देता। ऐसे ही चावल भी अगर आपको खाने हैं तो 6-8 घंटे भिगे होने चाहिए, लेकिन हम नहीं भिगोते 6-8 घंटे।